हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इजी कुकिंग विद मी। और मैं हूं वर्षा। तो कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे और मेरी वीडियोस देख रही होंगे। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही है तो प्लीज उसे लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर अब तक नहीं किया है। तो आज मैं बनाऊंगी सिंपल सी आलू अरबी की सब्जी। सीजनल वेजिटेबल है, हर कोई बनाता है, लेकिन मैं इसे एक अलग तरीके से बनाऊंगी जिस तरह से ये बिल्कुल भी चिकनी या फिर लेस वाली नहीं बनेगी। तो चलिए मेरे साथ बनाते हैं आलू अरबी की सब्जी। ये अरबी, मैंने ये आधा किलो अरबी ली है जिसे मैंने अच्छे से छील के और इस तरह से लंबे पीसेस में कट किया है। आप चाहे तो आप गोल भी काट सकते हैं। और अच्छे से इसको मैंने नमक के पानी में धो लिया है। अब कढ़ाई में मैंने ये 3 से 3.5 चम्मच ऑयल लिया है और इसमें मैं ये डायरेक्ट अरबी को डालूंगी। अरबी को मुझे पूरी तरह से डीप फ्राई नहीं करना, मुझे बस इसको इसमें सॉटे करना है और अच्छा से इसमें गला लेना है। मीडियम फ्लेम पे इसी तरह से मैं अरबी को 10 से 15 मिनट की रख दूंगी जिससे कि इसमें जो चिकनाहट है वो खत्म हो जाए और ये थोड़ी सी सॉफ्ट भी हो जाए। इसे ढक के रखते हैं 10 से 15 मिनट के लिए। 10 मिनट हो चुके हैं तो चलिए इसे खोल के देखते हैं। इसका मॉइस्चर अच्छे से हट चुका है और ये थोड़ी सॉफ्ट भी हो चुकी है। तो चलिए अब इसमें आलू ऐड करते हैं। ये मैंने 2 मीडियम साइज के आलू लिए हैं और इन्हें भी लंबा काट लिया है। अब आलू को भी इसी तरह से मुझे थोड़ा सा सॉफ्ट होने तक पकाना है। तो अगले फिर 5 मिनट के लिए मैं इसे नॉर्मल मीडियम फ्लेम पे ढककर रख देती हूँ। 5 मिनट हो चुके हैं, आलू भी थोड़े फ्राई हो चुके हैं। देखिए, चेक कर लेते हैं, थोड़े से आलू गल भी चुके हैं, बाकी हम मसाले में निकल आएंगे। तो चलिए गैस ऑफ करते हैं और इनको निकाल लेते हैं। कढ़ाई से मैंने आलू और अरबी निकाल लिए हैं और इसी कढ़ाई में जो ऑयल रह गया है इसी में अब मैं ये प्याज डालती हूँ। ये मैंने एक बड़ा प्याज लिया है जिसे बारीक चॉप कर लिया है। प्याज के थोड़ा सा भूनते ही अब मैं इसमें ये लहसुन और हरी मिर्च ऐड कर देती हूँ। ये मैंने 3 कलियां लहसुन की ली है और 1 हरी मिर्च है। प्याज को मुझे बहुत ज्यादा सौते नहीं करना है, नहीं तो प्याज फिर जला हुआ फ्लेवर देने लगेगा। मुझे भुना मसाला इसके लिए नहीं बनाना। बस अब मैं इसमें ऐड कर देती हूँ ये टमाटर की प्यूरी। ये मैंने 2 मीडियम साइज के टमाटर लिए हैं जिनकी प्यूरी बनानी है। टमाटर पक चुका है तो चलिए अब इसमें मसाले ऐड करते हैं। ये ले रही हूँ मैं कश्मीरी लाल मिर्च 1/2 चम्मच, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 चम्मच हरा धनिया, नमक अकॉर्डिंग टू टेस्ट और थोड़ा सा गरम मसाला। थोड़ा सा गरम मसाला हम बाद में ऊपर से ऐड करेंगे। मसाले पक चुके हैं तो चलिए अब इसमें ये फ्राइड अरबी और आलू ऐड करते हैं। इसमें डालती हूँ थोड़ा सा पानी जिससे कि सभी मसालों का फ्लेवर अरबी और आलू में बहुत अच्छे से आ जाए। और अब इसे मीडियम फ्लेम पे 5 मिनट के लिए ढककर रख दीजिए। मसाले में पूरी तरह से अरबी घुल चुकी है तो चलिए अब इसके लास्ट में ऐड करते हैं कसूरी मेथी। थोड़ी सी इसके ऊपर इस तरह से डाल दीजिए, एक बार फिर से मिक्स। ये लीजिए तैयार है
आलू और अरबी की सब्जी। अगर आप भी परेशान हैं अरबी की चिपचिपाहट से, अरबी की चिकनाहट से, तो इस तरह से बनाइए, अरबी बिल्कुल भी चिकनी नहीं बनती। तो चलिए अब गैस बंद करते हैं और सर्व करते हैं।